गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और आज हम जा रहे हैं एक ट्रैक पे क्योंकि पैर ठीक हो चुका है और बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सी जगह है तो आपको दिखाते हैं वो ले जाके। रिदा क्या हालत कर रखी है तुमने पैंट की अपनी। आज हो रहा है ब्रेकफास्ट गाड़ी के अंदर ही, ब्रेड ऑमलेट सेठी साहब को खिलाया जा रहा है। यार हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम आज जा रहे हैं एक बहुत ही अलग जगह पे जो कि आपने शायद किसी भी व्लॉग में नहीं देखा होगा। राहुल इज गोइंग टू दिस प्लेस, यहाँ से आई थिंक डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे गाड़ी के और लाइसेंस वगैरह एंड देन वी कैन गो अहेड। तो हमता जा रहे हैं आज, हमता जाने के लिए एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है विद योर गाड़ी की आरसी एंड योर ड्राइविंग लाइसेंस, तो वही जमा करने जा रहा हूँ मैं। सो वी आर राइट ऑन टॉप ऑफ द हिल्स और अभी हम और ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल हम पहाड़ के ऊपर पहुंचने वाले हैं। मनाली बहुत ही नीचे रह गया गाइस, वो देखो दिखाना, दैट इज मनाली। जो अभी तक व्यू हम आपको नीचे से दिखा रहे थे वो बिल्कुल अब हम उसके पास पहुंच चुके हैं। अभी फोन नीचे गिर जाता मम्मा और फिर हमारे वेस्टेज हो जाती। क्या हो जाते थे? वेस्टेज और वेस्टेज और पैसों की इतनी ज्यादा और आईफोन गिर जाता और वहाँ जाके गिरता नीचे और फिर कभी भी नहीं मिलता हमारा आईफोन। अच्छा, कोई और लोगों को ही मिलता तो ले जाते हमारा फोन है ना। सो हम आ गए हैं हमता विलेज में जो कि नीचे मनाली से अबाउट 20 किलोमीटर अपहिल है। ये देख लो क्या हो रहा है इनको, क्या हो गया नन्नू। वाह, हम पहुंच गए कालसंग ढाबा और रिदा को मिल गया काजू। क्या नाम है? काजू। क्या बात है। कतली। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। और हम जाने से पहले पी रहे हैं चाय और दीदी कहेंगे के सांग दीदी हैं, मैं आपको अभी उनसे मिलाती हूँ। मैंने कहा दीदी मुझसे चाय पियोगे? मैंने कहा दीदी हाँ एक कप चाय पी के फिर चलते हैं ऊपर। एवरीवन, ये ना काजू पैटर्न का और ये कहीं से ये किसी और का पैटर्न जबरदस्ती आ गया। काजू कितना क्यूट है। कैसे हो आप? ठीक हो? बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्यारा सा घर है आपका। अच्छा है बेटा, घर नीचे भी है? घर नीचे भी हाँ, ये लोग यहाँ पे रहते हैं तो बहू मेरे लड़का नीचे रहते हैं। हाँ जी, थैंक यू दीदी। काजू तेरी पूंछ पे मैंने पैर रख देना था अभी। काजू रिदा उसको भी देख के आई है। रिदा हमारी बड़ी वो है। ये काजू को दे रहे हो? ये मैं दे दूँ? एक काजू पापा को दे दो, पापा भी डिबो के खा लें। काजू और इन सबको देते रहोगे? So, हम लोग पहुंच गए हैं और अब हम जा रहे हैं गाड़ी से थोड़ा सा आगे, वहां से ट्रैक शुरू करेंगे और पीछे बैठी हैं केसांग दीदी जो आज हमें सब कुछ बताने वाली हैं और हमें खूब एंजॉय कराने वाली हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। और मैं दीदी को बोल रही हूँ दीदी अपने घर में रोक लो हमें क्योंकि मेरे को मनाली में मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और मैं दीदी को बोल रही हूँ यहीं पे कहीं पे रुकवा दो थोड़े दिनों के लिए क्योंकि ये गाँव है एक बहुत ही सुंदर और गाँव की, हाँ सेथन विलेज है और गाँव की यार फील वाइब अलग ही है, शहरों का तो रह ही रहे हैं उतनी भीड़ भड़क के। इसलिए है ना क्योंकि यहाँ सारे पॉटी करते हैं, पॉटी करते हैं। आप करते हो पॉटी की नहीं करते? करती हूँ। तो फिर काव भी करेगी ना बेटा? पर मैं तो बाहर नहीं करती हूँ। तो वो भी उनका घर ही है बेटा। तो रिदा को थोड़ी सा ऐसा सा हो जाता है आके देख के कि भाई ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। और अब जा रहे हैं हम आगे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे रोड पे, तो हमारी गाड़ी रुकी हुई थी थोड़े टाइम के लिए और इसका एक हम डेडिकेटेड ब्लॉग विल बी शूटिंग फॉर आवर चैनल ETC। तो मैं बताना ये चाहूँगी यार कि मनाली अगर मैं होती नहीं हूं। हाँ, कि अगर हम आप मनाली आ रहे हो तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अनएक्सप्लोर्ड है और अगर आपको एडवेंचर पसंद है, यू लाइक ट्रैकिंग, यू लाइक हाइकिंग,
आई थिंक दिस ट्रैक विल बी अमेजिंग. जंगली लिंगड़ी, इसकी मतलब अचार बहुत टेस्टी बनता है और सब्जी तो बहुत ही मस्त वाला, मतलब जिससे हाँ कभी खा के देखना, ट्राई करना इसको. यार ये वाला व्लॉग ना छोड़ना बनता नहीं है, और ये एक्सपीरियंस करना तो 100% बनता है. तो जब भी आ रहे हो ना मनाली साइड, एक दिन अलग से रखना हमता के लिए, और दीदी से पहले नंबर दे दूंगा मैं, दीदी से पहले बात करके रखना कि किस दिन वो फ्री हैं, तो वो आपको लेके जाएंगी और अमेजिंग जगहें दिखाएंगी. अभी हम होके आ रहे हैं बहुत पुरानी गुफा में, ETC में दिखाएंगे आपको. सो इस वाले डैम की बात कर रही थी दीदी की, ऊपर से दिखाना कितना सुंदर लग रहा है ना. सो एज यूजुअल रिदा ने हमारा हाथ छोड़ दिया और दीदी का हाथ पकड़ लिया कि मैं तो इनके साथ जाऊंगी, वो जहां भी जाती है उन्हीं की हो जाती है. सो ये ट्रैक है गाइस जो हम लोग कर रहे हैं जंगलों के बीच में, और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे जाके ये ख़त्म होगा, और एक वाटरफॉल आने वाला है बहुत जल्दी. ये हमारी आ रही है कैमरा मैन फॉर दी ETC चैनल, और ये जो व्लॉग देखोगे आप ये प्योर क्रेडिट होगा सिमर को, तो ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको. भाई मैं मान गया, क्या पकड़ लिया तो नहीं ये वाह कितना ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, आप जा नहीं सकते वहाँ पे, लेकिन सुंदरता देखो. आई थिंक वी गोइंग देयर, आई कैन सी सम पीपल ओवर देयर. देखिए आपको वो रहे वो जा रहे, हम लोग पीछे रहते जा रहे हैं, तो सिमर भी रनिंग करके आ रही है, और इनको कैच करना मुश्किल है यार, ये लोग पहाड़ के लोग हैं तो ये बहुत तेज चलते हैं. चलो रिदा कम ऑन, चॉकलेट खा ली, एनर्जी आई थोड़ी सी, लेट्स गो. रिदा को यहाँ पे मिल गई है अपनी एक दोस्त, और अब उसके साथ खेल रही है. बहुत ही जितना मैंने बहुत में जोर लगाया ना, उतनी ही खूबसूरत ये जगह है भाई. छोटा सा मैगी पॉइंट. सो एक बीच में छोटा सा ढाबा आया था जिसपे मैंने ले लिया है ट्रॉपिकाना का जूस, और हम अगर ट्रॉपिकाना वाले सुन रहे हैं, वी आर रेडी टू डू एन एड फिल्म. भाई कितने तुसे सुते पड़े हो, की हो गए थानू, कोई ऐडा शैडा नहीं आंदियां पईयां, किथे रह गए तुसी सारे? हां जल्दी जल्दी आ जाओ भाई. भाई को देखता है जिसकी कंपनी हो, जो बनाती हो ऐड वैड, करो हमें कांटेक्ट, थोड़े प्रमोशन दो हमें भी, हम भी थोड़ा और ट्रैवल कर पाए. सिमरजीत, दिस इज द बाय फार द बेस्ट थिंग दैट वी हैव डन टिल नाउ. टिल नाउ बाय फार द बेस्ट. एंड ये आपको समझ में आएगा जो वो वीडियो आ जाएगी, दैट हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज, और ट्रैक कितना खूबसूरत है. मतलब आपको थकावट तो हो ही नहीं रही, बिकॉज खूबसूरत सीनिक है. हाँ. देखने के लिए इतनी चीजें हैं. राइट वो देखो कितनी फास्ट चल रहे हैं दोनों. देखो कहाँ ले आई दीदी हमें आराम से बैठने के लिए. वाओ यार अच्छा जी, हो रही है नहीं हो रही तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी? रिदा यू लाइकिंग इट? किसान दीदी बना रही हैं सिद्धू. जहां से स्ट्रीम दिखाई देती है सेठी साहब अपना प्योर एकदम पानी भर लेते हैं, फ्रेश एकदम फ्रेश. अच्छा इशू चालू होया है, मैं सेट कर दी पई सी, मैं सेट करदा, मेरे घर वाले ने पहला ही चालू किया होया सी, बड़ा ही चालू बंदा है. तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस, और बहुत ही ज्यादा मजा आया. मतलब मैं मजा इतना आया ना कि बता भी नहीं सकते. और अब हम जा रहे हैं वापस कैलसांग जो ढाबा है वहां पे जा रहे हैं,
और फिर वहाँ पे जाके हमारे बच्चे की तुम हालत देखोगे ना, अगर आप लोग अभी ऐसे मुंह पे इसके ऐसे मिट्टी धूल जमी हुई है, दिखाना रहता अपनी शक्ल भी नहीं के कैमरे में, ये देखो जी एकदम बढ़िया शक्ल, खतरों की खिलाड़ी। हाँ खतरों की खिलाड़ी, पर दीदी बढ़िया रही आपके साथ ये सारा ट्रैक पे। हाँ दीदी के साथ ही थी तो दीदी लेके आई इसको आगे। हैं हाँ हाँ चाय पी लूंगी। How is it, Rida? ओए तो क्या सांग दीदी के साथ बस बैठ के हम खाना खा रहे हैं अभी, और फिर यहाँ से निकलेंगे मनाली के लिए वापस, जो कि हम चाहते नहीं है बट ठीक है। राजमा चावल और कड़ी चावल खाए हैं कल सांग ढाबे पे और जिंदगी का स्वाद आ गया। क्यों जी? ऐसे व्यू में जिंदगी का स्वाद लेना तो जरूर आओ हमता और ऊपर कलजांग ढाबा। देखो नजारा यहाँ का एवरीवन, जिंदगी एक मेरी सोखवा, मैं पूरी तरह। गो 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 किसान दीदी जा रही है तो रिदा मिल रही है। ये पे इंतजार कर रहे नीचे भी, मम्मी कब आएगा मेरा। ओके ओके दीदी बाय बाय। So we have come to a place called Glam Pico and we actually wanted to see it and this is our friend's property. So हम लोग देखने आए थे। So मैं निकल गया हूँ कुछ पैक कराने या कुछ खाने, देखता हूँ बाकी कैसा होता है क्या मिलता है यहाँ पे। मेरा बड़ा मन हो रहा था कि कुछ लोकल जैसे जगह नहीं होती है उस पर बैठ के खाया जाए, तो बस वहीं जा रहा हूँ देखता हूँ कौन सी जगह मिलती है। तो मैं खा रहा हूँ आज यार फिश, यहाँ की लोकल फिश फ्राई हो रहा है। इट्स गोना बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस मुझे लगता है, देखता हूँ बाकी खा के कैसा लगता है। सो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई होप यू एंजॉयड द ब्लॉग। सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी मनाली वाली। वी आर लविंग द प्लेस, वी आर लविंग द वाइब और मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे। अपना सपोर्ट बनाए रखें। खाना जो मैं लाया था वो बहुत ही अच्छा था यार। कल हमने एक छोटी सी ब्रेक ली थी क्योंकि घूमने आए हुए हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, दूसरे चैनल पे भी वीडियो डाल रही थी तो बस इसलिए सोचा कि एक दिन की ब्रेक लेते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।